तो बनाने का भी प्लान है। थैंक यू सो मच आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए कि एक नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल लड़का लोग भी कर सकता है, और ये आप सबके बदौलत हुआ, यूट्यूब के बदौलत हुआ। ठीक है एवरीवन, आप सबको फिर से एक न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं अपना ज़मीन देखने, और वहाँ पर वहाँ का ब्लॉग आज वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा, ये जो ब्लॉग होने वाला है अपना ज़मीन को दिखाएंगे, और तो चलिए रास्ते में भी कुछ दिखाएंगे और वहाँ पे ले चल के ज़मीन भी अपना दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हम दोनों भाई आ गए हैं अपना ज़मीन पे। ये है ज़मीन और वो मेरा भाई है जो हमसे छोटा है, लेकिन देखने में आपको हल्का सा थोड़ा सा बड़ा लगता होगा। तो ये है ज़मीन, बहुत ही खून पसीना का मेहनत से, आपको पता ही है ज़मीन लेने में कितना लगता है और कैसा लगता है एक ज़मीन ख़रीदने में। पापा लोग इतना सारा ज़मीन ख़रीदे तो कोई हम लोग को उतना उसका अहमियत नहीं पता था या नहीं जानते थे, और एक ज़मीन हम लोग ख़रीदे। अभी मैं हम लोग रहते हैं कोलकाता में, फुल फैमिली रहते हैं, तो कोलकाता में ही ज़मीन ख़रीदे हैं। और ये वो ज़मीनें देख सकते हैं, ये ऑलरेडी इस साइड में देखेंगे तो बहुत सारे घर बन चुके हैं। ये एक नया घर बना है, पीछे में उस साइड में देख सकते हैं बहुत सारे घर बने हुए ऑलरेडी। जब हम लोग ज़मीन लिए तो देख सकते हैं उधर में आप ज़मीन वमीन बहुत सारा ऑलरेडी घर बने हुए हैं, क्लियर है देख सकते हैं आप। अगर पीछे देखेंगे मेरा पीछे इस साइड में भी बहुत सारा ज़मीन, ये देख सकते हैं ये यहाँ पर देखिए बहुत सारे घर ऑलरेडी यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ का कुछ नज़ारा देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये है वो एकदम हाईवे है जिसका नाम है बसंती हाईवे। ठीक है, बहुत बड़ा हाईवे है वो, और ये देख सकते हैं इधर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, बहुत ही अच्छा से चारों तरफ से एकदम हरियाली हरियाली आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बाइक लगा हुआ है, हम दोनों भाई बाइक से आए हैं यहाँ पे, मैं दिखा दूँ, ये देख सकते हैं मेरा बाइक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो बाइक से हम लोग आए हैं, और हम दोनों भाई में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, जहीं भी जाते हैं कहीं भी जाएंगे हम दोनों भाई एक साथ ही जाते हैं। और साउंड का थोड़ा ऐसा इशू हो सकता है क्योंकि मैं माइक अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल का ही माइक से यूज़ कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं ये पिलर वलर ऑलरेडी हम लोग दिए हुए हैं यहाँ पर, तो बनाने का भी प्लान है। थैंक यू सो मच आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए कि एक नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल लड़का लोग भी कर सकता है, और ये आप सबके बदौलत हुआ, यूट्यूब के बदौलत हुआ। ठीक है, और प्लस पापा से भी पैसा लिए हैं तभी ये हो पाया, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है इतना कुछ करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को। ये देख सकते हैं इधर का नज़ारा, मैं एक बार और आपको दिखाना चाहूँगा, इतना अच्छा मौसम है। आप अगर स्काई देखेंगे, स्काई तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हैं स्काई का कलर कितना ज़बरदस्त हुआ है, एकदम देख सकते हैं हल्का हल्का बारिश टाइप का मौसम है। देखिए आपको स्काई में दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा स्काई आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में। कैमरा भी बहुत ही अच्छा से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर मैं उतना नहीं दिखूँगा, बट स्काई आपको क्लियर दिखेगा क्योंकि धूप पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्काई को स्पेशली आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इस साइड में देखिए तो स्काई प्लस गाछ ब्रिज जो गाछ और जो दिख रहे हैं कितना कमाल का लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ फेस के तरफ, अब देख सकते हैं ये प्रॉपर इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, आई होप ज़मीन देख के आप लोग खुशी हुई होगी, ज़रूर कमेंट करना आप लोग भी, सब कमेंट करो। और देखो इतना हवा चल रहा है कि पूरा बाल ऐसे ही उड़ रहा है स्पीड में। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच वंस अगेन इस वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कभी करना दोस्तों में। अभी घर जाएंगे और घर जाएंगे, अब हम लोग ज़मीन देख लिए, एक आदमी को बुलाए हैं बात करने के लिए, तो इधर ही का आदमी है वो, तो एक बार बात करके देखते हैं, बात करके उसके बाद से हम लोग निकल जाएंगे।